नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजिता और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। बेटी द्वारा दलित युवक से शादी करने के मामले में लगातार एक्सपोज हो रहे उत्तर प्रदेश अंतर्गत बरेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मिश्रा अब मीडिया पर अपनी बौखलाहट निकालने लगे हैं। बता दें कि विधायक मिश्रा की बेटी और उनके दलित दामाद ने पुलिस में शिकायत की है कि राजेश मिश्रा उनकी हत्या करा सकते हैं। इन आरोपों के साथ विधायक की बेटी और दामाद अजितेश ने एक वीडियो भी जारी किया है जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जाहिर है कि मीडिया द्वारा राजेश मिश्रा से सवाल पूछे जा रहे हैं तो अब उनसे जवाब देते नहीं बन रहे हैं। आखिर बौखलाहट में वो ये तक कह बैठे कि बहुत जल्दी टीवी चैनल वालों की बेटियां भी भागेंगी और वो भी यह चिल्लाएंगी कि उनके माता पिता के घर तो डीएम यानी कि कलेक्टर और एसपी जैसे बड़े लोग का आना जाना बना रहता है, अतः हमें उनसे जान का खतरा है और हम लोगों को हमारे पत्रकार माता पिता तथा उनके आईएएस आईपीएस सहयोगियों से बचाया जाए। बता दें कि बौखलाहट पूर्ण बयान विधायक मिश्रा द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि उन पर यह आरोप चस्पा है कि वे अपने सहयोगी राजीव राणा के माध्यम से अपनी ही बेटी और दामाद का अनिष्ट करा सकते हैं। उनसे इस आरोप के भी जवाब मांगे जा रहे हैं तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके विधायक मिश्रा अब मीडिया कर्मियों की बेटियों तक पर उंगलियां उठाने लगे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके मन में अपनी और दूसरों की बेटियों के प्रति कितना स्नेह और सम्मान है। सुनिए उत्तर प्रदेश के बरेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मिश्रा ने 7i न्यूज की जर्नलिस्ट से फोन पर क्या कहा। अभी तो ऐसा भी समय आने वाला है कि जब हेलो जी सर, अभी तो ऐसा भी समय आने वाला है टीवी चैनल वालों की जो लड़कियां चली जाएंगी तो वो ये कहेंगी कि हमारे माँ बाप से डीएम और एसएसपी आते हैं उनके घर पे, उनकी जेब में रहते हैं, इसलिए हमें सुरक्षा दिलाओ। वो भी समय आने वाला है। समझिए।